दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के पुरातन छात्रों द्वारा स्थापित पुरातन छात्र ग्रंथालय का शुक्रवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विश्वविद्यालय के एनवायरमेंट को समृद्ध करती हैं, उन्हीं में से एक है पुरातन छात्र संगठन भी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राकेश कुमार और धन्यवाद ज्ञापन भूगोल विभाग के प्रोफेसर नरेंद्र कुमार राणा ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में भूगोल विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर वी के श्रीवास्तव, पूर्व आचार्य प्रोफेसर जे एन पांडे, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय नियंता सतीश चंद पांडे समेत भूगोल विभाग के शिक्षकगण और पुरातन छात्रगण मौजूद रहे। हम सभी पुरातन छात्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि आप पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ। धन्यवाद सर। मैं विभाग की जो है छात्रा पूजा शर्मा और उनके सहयोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप सरस्वती बन जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों परमा नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी नाद तत्वमयी जय दिव्य सुंदर